फ्रेंड गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? फ्रेंड मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, NSH कंपनी सऊदी के लिए अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है, तो सोचा कि क्यों ना आप लोग से शेयर कर दूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूँ कि NSH कंपनी सऊदी और NSH कंपनी बहरीन और कतर और दुबई, यानी कि चारों जगह पे काम चलता है। NSH कंपनी के चार जगह पे काम चलता है, ठीक है ना। तो ये आज का जो टॉपिक है उन NSH कंपनी के बारे में बनने वाला है। तो प्लीज़ अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूँ, NSH कंपनी का पूरा नाम जो है वो है नासिर अल हजरी कंपनी, ठीक है ना। इसको गल्फ एशिया भी कंपनी भी कहते हैं, ठीक है ना। गल्फ एशिया का नाम सुनकर ये मत समझिएगा कोई दूसरी कंपनी है, गल्फ एशिया कंपनी भी NSH कंपनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि दुबई में भी काम चलता है, कतर में भी काम चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद से बहरीन में भी चल रहा है और अब अभी सऊदी में चल रहा है, ठीक है ना। तो सऊदी का अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। और रिक्वायरमेंट से पहले मैं बता दूं कि ये कंपनी आपको यानी कि फ्री फूड इसका है, फ्री अकोमोडेशन है और फ्री ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि सब कुछ आपका फ्री इसमें रहता है। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्टर है, यानी कि सब कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। बहुत से कंपनी में बहुत से भाई लोग जाके फंस जाते हैं क्योंकि छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर रहती है, सब कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, वहाँ पर आप लोग को बहुत दिक्कत होता है, समझ लीजिए, ठीक है ना। लेकिन देखिए, अभी मैं हूँ बेक्टल कंपनी में और यहाँ पे चार ज्वाइंट वेंचर कंपनियाँ हैं, यानी कि 3CC, अल्मावानी, बेक्टल और सीमेंस। देखिए ये हम लोग का प्ले ग्राउंड है, देखिए यहाँ पे कुछ भाई लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तानी इंडियन भाई लोग, ठीक है ना। उधर भी एक प्ले ग्राउंड है, वहाँ पे फिलिपिनी विलपिनी भाई लोग अपना बास्केटबॉल खेलते हैं। तो आपसे बता दूं कि जो चारों कंपनियां हैं, समझ लीजिए, एक कॉन्ट्रैक्टर है, यानी सब कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। सब कॉन्ट्रैक्टर मतलब हुआ सप्लाई कंपनी, ठीक है ना। और कॉन्ट्रैक्टर का मतलब हुआ कि अपना खुद का काम लेकर, खुद का प्रोजेक्ट लेकर काम कराना, ठीक है ना। तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कंपनी में जाने के बाद। और जो भी फ्रेशर भाई लोग हुए उनको जानकारी नहीं रहता है और जाकर फंस जाते हैं, समझ लीजिए, तो बहुत प्रॉब्लम होता है, समझ लीजिए, यहाँ आने के बाद, ठीक है ना। जैसे कि ये जो आज़ादी है, समझ लीजिए, अगर आप सप्लाई कंपनी में जाएंगे तो ये मज़ा नहीं मिलेगा, समझ लीजिए, ठीक है ना। वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है। एक तो पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है खाना, खुद का बना कर खाना, और ये जो कंपनियाँ हैं सबका खाना फ्री है, यानी कि कंपनी खाना देती है, ठीक है ना। दूसरा प्रॉब्लम होता है, समझ लीजिए, कि साइट का, समझ लीजिए, एक जगह ड्यूटी फिक्स नहीं रहता, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ ऐसा रहता है, ठीक है ना। लेकिन जो अब कॉन्ट्रैक्टर में जाएंगे, कंपनी में जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम लोग जब से आए हैं, समझ लीजिए कि स्टेशन पर काम कर रहे हैं, मतलब एक ही बैक्स में है, ठीक है ना। हाँ स्टेशन तो चेंज हो चुका है लेकिन मतलब कंपनी एक ही है, ये नहीं है कि आज यहाँ पे काम कीजिए कल वहाँ पे काम कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए NSMA कंपनी के अभी ये लोग ड्यूटी करके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो कंपनी के बारे में सटीक जानकारी वही दे सकता है, आपसे बता दूँ फ्रेंड, या तो जो कंपनी में रह चुका है, ठीक है ना। जैसे कि मैं NSH कंपनी बहरीन में रह चुका हूँ, इसके पहले मैं वहीं पे था, ठीक है ना। ऑलरेडी बहरीन में मैं जॉब करता था, बहरीन में था। और या तो उसके बगल में कोई कंपनी हो, समझ लीजिए, जैसे कि अभी मैं बेक्टल में हूँ तो यहाँ पे ज़्यादा कंपनियाँ हैं, जैसे कि ज्वाइंट वेंचर में 3CC है, अल्मावानी है, सीमेंस कंपनी है, NSMA कंपनी है। तो ये सब कंपनी के बारे में हमको अच्छी तरह जानकारी है क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, केवल एक ही कंपनी के नहीं है, केवल बेक्टल के ही नहीं है, 3CC के है, अल्मावानी के है, NSMA कंपनी के है, ठीक है ना, सभी कंपनी के। तो मान लीजिए कि हमको अच्छी तरह जानकारी होगा कि हाँ उस कंपनी का क्या फैसिलिटी है, क्या अकोमोडेशन है, क्या ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है ना, खाना कैसा है, सब कुछ जानकारी रहता है। तो वही आदमी सटीक जानकारी दे सकता है जो या तो वो कंपनी में रह चुका है और या तो उसके अगल बगल में वो कंपनी है, ठीक है ना। बाकी मान लीजिए कहीं से खड़ा होकर वीडियो बना देने से नहीं होगा, मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन देने से, सही या गलत, ठीक है ना। तो मैं जो भी बताता हूँ, समझ लीजिए कि एकदम जेन्युइन बताता हूँ, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो आपसे बता दूं कि जो NSH कंपनी है इसका भी फ्री फूड है, फ्री अकोमोडेशन है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन है, समझ लीजिए। और आपसे बता दूं कि चारों जगह काम चल रहा है। तो अभी जो न्यू रिक्वायरमेंट है वो अभी सऊदी अरब के लिए, यानी कि यहीं के लिए, अभी मैं हूँ सऊदी अरब में रियाद में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही उसका काम अभी चल रहा है, यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो जो रिक्वायरमेंट है जो ट्रेड का है, ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। तो जो सबसे पहले है इलेक्ट्रिकल सुपरिटेंडेंट का, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल सुपरिटेंडेंट का है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का है सेकेंड, और उसके बाद थर्ड है इलेक्ट्रिकल फोरमैन का रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल फोरमैन का। उसके बाद इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन का है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन, समझ रहे हैं ना। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन एक होता है बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन। तो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन का मतलब हो गया, समझ लीजिए, कि जो प्लांट में काम करता है, ठीक है ना। और आपसे बता दूं कि NSH कंपनी बिल्डिंग का नहीं, प्लांट का काम कराती है, यानी कि ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट का काम कराती है, आपसे बता दूं, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि आप भाई लोग से मिस्टेक हो जाता है, जो लोग फ्रेशर है, ठीक है ना। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट
फिटर और इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, ये दोनों का भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, ट्रेड का, इंस्ट्रूमेंट फिटर और इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट फोरमैन और इंस्ट्रूमेंट सुपरवाइजर, इसका भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। और अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है फ्रेंड, आपसे बता दूँ कि ये रिक्वायरमेंट कल की डेट में है, यानी कि फाइनल जो क्लाइंट इंटरव्यू है वो 23 तारीख को ही, आज है 22 तारीख और 23 तारीख को, इसीलिए मैं अभी शाम को मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मान लीजिए कोई भाई लोग का हेल्प हो जाए, कोई भी मान लीजिए बहुत से भाई लोग का कमेंट आता है हमारे चैनल पे, ठीक है ना, खासतौर एनएससी कंपनी के बारे में, तो सोचा कि क्यों ना अभी बताया जाए, क्योंकि कल ही इंटरव्यू है, अगर आज मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए अभी मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, ठीक है ना। तो ये सब ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, 8-10 ट्रेड का रिक्वायरमेंट है, और सऊदी अरब के लिए है, सऊदी अरबिया के लिए, ठीक है ना, सऊदी अरब के लिए, ठीक है ना, अभी रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट कल ही है। शॉर्टलिस्टिंग खासतौर में चल रहा है, समझिए आज भी शॉर्टलिस्टिंग चला, मैंने 20-23 शॉर्टलिस्टिंग चल रहा है, फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू कल ही है, ठीक है ना। तो जो भी भाई लोग स्टेट से है अपना जाकर, हाँ एक चीज़ बता दूँ कि ऑफिस कौन से ऑफिस में है, तो ये है कोच्चि ऑफिस में, ठीक है ना। मल्टीलिंक आपसे बता दूँ कि मुंबई में भी है, माहिम जंक्शन में, इसके बाद से कोच्चि में भी है, चेन्नई में भी है, ठीक है ना। तो ये कोच्चि में समझ लीजिए कि जो ऑफिस है मल्टीलिंक, उसमें ये रिक्वायरमेंट है, और जो भी भाई लोग ये ट्रेड से है अपना जाकर सिलेक्शन करा सकते हैं, समझ लीजिए, ठीक है ना। जो भी भाई लोग स्टेट से है अपना जाकर मल्टीलिंक ऑफिस में अपना सिलेक्शन करा सकते हैं, ठीक है ना। और एक बार और आपसे बता दूं, रिपीट कर दूं कि फ्री फूड है, फ्री अकोमोडेशन है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि सब कुछ ये कंपनी में फ्री है, ठीक है ना। इसके बाद से अगर ऑफिस से डायरेक्ट आप लगा रहे हैं तो समझ लीजिए इसका सर्विस चार्ज 40,000, यानी 40,000 है। अगर एजेंट पकड़ेंगे तो 70-80,000 रुपये ले लेगा, और डायरेक्ट अगर ऑफिस से आप जा रहे हैं, ऑफिस से लगा रहे हैं, तो 40,000 रुपया ये ऑफिस का सर्विस चार्ज है, 1 रुपया आपको ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है ना, 1 रुपया ज़्यादा नहीं देना, 40,000। आप मैं हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही रहता है फ्रेंड, आप लोग का जितना से कम में या तो फ्री रिक्वायरमेंट फ्लाइट हो जाए, या कम से कम पैसा भर के समझ लीजिए आप लोग, मतलब आप लोग का फ्लाइट हो जाए, ठीक है ना। तो फ्रेंड वीडियो लंबा ना करते हुए वीडियो का मैं एंड यहीं पे कर रहा हूँ। तो फ्रेंड आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए गुड बाय, गुड नाइट।